मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों ये आज का ये ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है। अभी सुबह के 4 बजने वाले और मैं अभी भोपाल स्टेशन पे हूँ क्योंकि आज का ये ट्रिप ना इतना ज़्यादा मज़ेदार, मतलब कितने दिनों से मन था मेरा वहाँ जाने का और आज ये सफल हो रहा है। तो कहाँ जाना है ये सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में बताऊँगा और वहाँ पर चल रहे हैं अभी हमारी ट्रेन है, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, यहाँ से चलेंगे उज्जैन महाकाल के नगरी आज हम लोग जाने वाले हैं। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं स्टेशन से इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि रास्ते में भी काफ़ी मज़ेदार सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे प्लीज़ बने रहिए, वहाँ पे चलते हैं, आपको पूरा टूर करवाएंगे, पूरा दर्शन करवाएंगे भगवान शिव का, महाकाल का, तो काफ़ी मज़ा आएगा। आप लोग लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। ऐसा अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हैं, इसी पर अपनी ट्रेन आने वाली है और यहाँ से चलेंगे उज्जैन, उज्जैन से फिर वहाँ से दर्शन करेंगे। वैसे तो हमको जाना है इंदौर पहले, लेकिन उज्जैन में दर्शन करेंगे, आपको दिखाएंगे, उसके बाद ही चलेंगे। अभी पूरा प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा है क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में कोई भी सोया रहता है। अभी अब जाके 4 बजेगा तो आप देख सकते हैं। एक पानी का बोतल लेना था पर अभी कोई खुला ही नहीं है दुकान, यहाँ पर खुला भी है तो सभी दुकानदार सो रहे हैं, देखते हैं। पानी का बोतल रखना बहुत ज़रूरी है। सब स्टॉल बंद है, सब कोई सोया पड़ा है। तो भाई साहब आज के इस ब्लॉग में ना मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्या ही बताऊँ मैं। काफ़ी दिनों से मन था मेरा कि मैं महाकाल के दर्शन करने जाऊं और आपको भी दिखाऊं, जो कि आज पूरा होने जा रहा है। और आज मैं जा रहा हूं उज्जैन, काफ़ी मज़ा आएगा, मतलब इस ब्लॉग में मैं क्या ही बताऊं। कब अभी अब तक का सबसे बढ़िया ब्लॉग बनने वाला है क्योंकि सारे अच्छे से आपको दिखाने वाला हूँ, दर्शन भी कराऊँगा। उसके बाद बैक टू बैक अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि वहाँ से जाना है इंदौर, फिर इंदौर में जाके एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। अपनी ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। मक्सी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से एक स्टेशन बाद उज्जैन आएगा, तो कवर कर लिया है। अभी 7 बज रहा है, यहाँ से और 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा, उसके बाद उज्जैन पहुंच जाएंगे। तो अब अंदर चलते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं उज्जैन जंक्शन पे। तो भाई साहब स्वागत है महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का। उज्जैन हम लोग पहुँच गए हैं और अब चलते हैं, बाहर निकलते हैं स्टेशन से, पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ होता है मंदिर पे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है तो वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सस्ता करके उसके बाद से मंदिर पे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है, जो भी सीन रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस अभी मैं उज्जैन जंक्शन के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ से आपको बाहर से नज़ारा दिखाता हूँ, काफ़ी बेहतरीन है बाहर से। आप देख सकते हैं सामने ये फ्लैग है इंडिया का और ये है स्टेशन का लुक, और इधर देखिए यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग बना है, काफ़ी मस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब नाश्ता पानी भी कर लिए हैं, अब चल रहे हैं सीधा मंदिर पे और ऑटो में ऑटो रिक्शा बैठ गए हैं, यहाँ से अब सीधे मंदिर के लिए चलते हैं। यहाँ से महाकाल मंदिर का किराया 20 रुपये है। पैदल जाना पड़ेगा और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मतलब लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर वाले रास्ते में बस बाइक चल रही है और कोई गाड़ी नहीं चल रहा है, बाकी पैदल ही लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जब आप पैदल आएंगे तो सामने जो दुकान पड़ती है वहाँ पे आप बैग वैग रख सकते हैं जो निःशुल्क है, और यहाँ से प्रसाद भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना बैग भी रखवा दिया और जूता खोल दिया, अब यहाँ से प्रसाद लेंगे फिर अंदर चलेंगे। कितने का एक प्रसाद? तो भेंट होगा घर के लिए मिलेगा ना।
दस का फूल है, 20 का कमल है, 40 का माला है, पूरा 270 रुपए का पूजा है। कितने का? 270, 270। प्रसाद ले लिया है गाइस, अब चलते हैं अंदर। नहीं देखो